तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेस ऑलराउंडर में। रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मकान तो जड़ से आपने बहुत देखे हैं, अब आपको चाहिए प्लॉट भी, अपनी मर्जी से आप बना सको। रेट्स को लेके बहुत आती है कि भाई कहाँ पे लिया जाए। फिलहाल जो मैं इस लोकेशन में लाया हूँ वो रॉयल सिटी है, आपका लाल कुएं से मेरे हिसाब से 4-5 किलोमीटर पड़ता होगा शायद। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, शहीस्थल हो गया, चाहे 62 का मेट्रो हो गया, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है दोनों तरफ से, दोनों साइड के लिए। और इस एरिया की डेवलपमेंट की बात करूँ, 6 लाइन ऑलरेडी है, काम चल रहा है यहाँ पर। फर्दर जो प्रपोजल है, आप अगर शहीस्थल से रेलवे स्टेशन का देखें तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ईडी ने प्रपोजल भेजा है रोपवे का, वहाँ से यहाँ वहाँ तक के लिए, तो उसकी वजह से इस पर भी इम्पैक्ट आएगा। इवन कि इसके आगे अगर हम चलते हैं दादरी की तरफ, तो ग्रेट न्यू नोएडा के नाम पे जो आप आजकल न्यूज़ में आ ही रहा है, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम गवर्नमेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मिडल एरिया है जो वहाँ पे बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल सकता है। प्लॉट्स हैं, वर्षा जी रहेंगे मेरे साथ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। 500 फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आप मोस्टली प्लॉट लोग वही खरीदना चाहते हैं जहाँ लोग हों, रेट बिल्कुल रिजनेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो वर्षा जी, कैसे हो? बस बढ़िया। तो वर्षा जी, आज हम जिस सिटी पे आए हैं उसका नाम क्या है? सर, रॉयल सिटी साइड का नेम। रॉयल सिटी, और यहाँ पर आप क्या दिखाने वाले हो आज? मैं आपको प्लॉट्स की इन्वेंट्री शो करने वाली हूँ। प्लॉट्स की इन्वेंट्री यहाँ पर। ये पहले डिस्टेंस की बात करूँ तो लाल कुआ से कितना डिस्टेंस है इसका? 3-3.5 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे है। 3-3.5 किलोमीटर, अच्छा मुझे लगा शायद 4 होगा, चलो देख लेंगे, अप्रोक्स होगा ना। हाँ, तो ये है। और ट्रांसपोर्टेशन इस एरिया का? यस सर, इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेन रोड से ही आपको बसेस अवेलेबल हो जाएंगी, दिल्ली के लिए भी है सर, कनेक्टिविटी काफ़ी सारे हैं। बसेस की बात करें तो 3 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे बस स्टैंड है, मेट्रो स्टेशन भी 8 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है, रेड लाइन शहीद होकर। ओके, तो अब इस एरिया की बात करें, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपने सारी डाली हुई है। हाँ, तो यहाँ पर प्लॉटों के साइज़ क्या है? 50 गज का। और ये रोड का काम अभी आपका शुरू हुआ है? अच्छा, तो जो आपके ये 50 गज के प्लॉट हैं, क्योंकि पब्लिक तो यहाँ पे आ ही रही है, तो लगभग मतलब ये कितने का पड़ेगा? 7.5 लाख का पड़ेगा, यानी 15,000 रुपये गज का हो गया हिसाब किताब। और इसकी रजिस्ट्री म्यूटेशन? दोनों अवेलेबल है, दादरी तहसील से पक्की रजिस्ट्री है। फैमिलीज कितनी शिफ्ट हो गई हैं यहाँ पर? 500 फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड है। ओके, लोन? प्लॉट पे लोन नहीं है सर। अच्छा, 50-60% देकर आप रजिस्ट्री करा सकते हो, कंप्लीट अमाउंट के लिए हम आपको 3-4 मंथ का टाइम दे देंगे। ओके, तो मैडम लोन है इस पे? B+C में लोन अवेलेबल है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप लोन इस पे प्रोवाइड करा देते हैं, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन की तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर? मिनिमम 50 गज का, मैक्सिमम लगभग कितने हैं यहाँ पर, किस तरह से होगा? 100-120 काफी इन्वेंटरीज अवेलेबल है, 200 तक का। ओके, ठीक है वर्षा जी, मैं इसे ले जाता हूँ पब्लिक डोमेन में, देखते हैं क्या कहते हैं वो। थैंक यू।